हेलो। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्या कह रहा है? ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच डेट द डायामीटर ऑफ द डायामीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द इडेज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कह रहा है कि एक जो है क्यूबिकल वुडन है, क्यूबिकल लकड़ी है, घनाभ आकार का लकड़ी है। अब घनाभ आकार का लकड़ी है, पहले घनाभ बनाइए, घनाभ आकार का लकड़ी है। जब ये घनाभ आकार का है तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है, काटा गया है। इस तरीके से इसको क्या किया गया है, काटा गया है, काटा गया है। तो ये जो है हेमी स्फीयर डिप्रेशन इज कट, मतलब काट लिया गया है वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन, मतलब कि क्यूबिकल घनाकार से इस तरह से काट लिया गया है। सच डेट, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो जो है डी बराबर क्या है, वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज सच डेट डायमीटर एल ऑफ द हेमी स्फीयर इज इक्वल टू द इडेज ऑफ द क्यूब। क्यूब का जो साइड है वो ए है, इसके बराबर है। डायमीटर क्या है, एल है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसको डायमीटर को ए कहा गया है, एल। डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है, एल, वो किसके बराबर है, ए के बराबर, और डी को ही एल कहा गया है, तो डी बराबर ए बराबर एल हो गया। अब कहता है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो यहां से निकाल सकते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, तो टोटल इसका कितना हाइट हो जाएगा, तो यहां पर जब तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा हेमी स्फीयर का सरफेस प्लस द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड में जो होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माइनस वन सर्कुलर, माइनस बेस सर्कुलर एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² क्यूब का प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होगा 2πr² माइनस इसका जो बेस सर्कुलर एरिया πr², तो यहाँ पर जो है आपको कह क्या रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो यही होगा 6a² प्लस πr² प्लस यहाँ 2πr², यहाँ पर इतना, तो 6a² प्लस पाई इंटू आर का वैल्यू डी से निकलेगा, तो डी बराबर जो होगा यहाँ पर एल बाय क्या हो जाएगा 2² फिर यहीं पर 6a² प्लस पाई इंटू
एल स्क्वायर बटे फोर, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर क्या है, चूंकि ये क्या है, यहाँ पर कहीं पर भी यूनिट नहीं है, कहीं पर भी यूनिट नहीं है, तो यहाँ पर लिखिए यूनिट स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखिए, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालने में यूनिट स्क्वायर होता है। थैंक यू।